अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके साथ एक अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं घर में आज क्या कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। हर चीज़ जब शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करना चाहिए। दरअसल मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, कपड़े सी रही हूँ। कपड़े तो नहीं, खैर मकसद ये गोल तकिया जो होता है, पिल्लो जो होता है हमारा, जो गोल होता है कैसे अभी आप समझ जाएंगे, गोल तकिया जो होता है उसका कवर सी रही हूँ। बड़े इजी तरीके से मैंने ये स्टिच करना कर रही हूँ, और कोई मतलब मुश्किल नहीं है। और रूम का पर्दा वगैरह भी सीना है तो पर्दे भी मैं सीऊँगी, तो आपको ज़रूर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिएगा कैसा लगा आपको ये। मैं सिंपल, मैंने मेरे पास सिंगल बेड की बेडशीट थी, और मेरे पास सिंगल बेड है नहीं, लेकिन बस सिंगल बेड की बेडशीट नई मेरी मम्मा ने मुझे दे दी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही पर्दा है तो बना लेते हैं, पर्दा बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं है। डार्क कलर था, अच्छा लगेगा। इस वजह से सर्दियों में थोड़े से डार्क कलर अच्छे लगते हैं, तो आगे सर्दी आ ही रही है। तो मैंने क्या किया कि काफ़ी अरसे से मेरा इशू था गोल तकिएगा, बाज़ार से लाओ ख़राब हो जाए, वो फोम अजीब से फोम के टाइप के मिलते थे, तो मेरे पास दो तकिए एक्स्ट्रा थे, मैंने काफ़ी दिनों से वो रखे हुए थे, मैंने उनकी रुई निकाली। अभी मैं आपके सामने सब कुछ करना दिखाऊंगी आपको। इसका मकसद, शेयरिंग का ये मकसद है कि आप लोग अपने घर में आराम से, कोई आपके पास पुराने वगैरह तकिए वगैरह हो, उनकी रुई हो, तो आप उसको फेंकें मत, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा कैसा लगा कि मैंने ये किया, आइडिया कह लें इसको या कुछ भी, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दुआओं में तो आप लोग याद रखते ही हैं मुझे, लेकिन ये कि बस अभी मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है, तो बस साथ साथ काम देखें आप। मैं आपको बताती रहूँ कि मैंने क्या किया। मेरे पास जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सिंगल बेड की बेडशीट थी, उसके दो पिलो थे, एक पिलो एक जैसा था एक अलग था। ये कोई करेक्टर है बच्चों का, उसकी वो है आई थिंक, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन खैर जो भी है अच्छा है, कॉटन अच्छी है, तो मैंने यही बनाना अच्छा समझा। तो मैंने सबसे पहले जो इसका तकिया था, तकिया का कवर था, उस कवर को वैसे ही लिया, आगे पीछे से सब खोल लिया, क्योंकि वो पिलो जो सर के नीचे रखने वाला होता है, सराना जिसे कहते हैं, वो अलग किस्म का सिलता है और ये अलग। मैंने इसको खोल लिया था पूरे कपड़े को। इसके बाद मैंने इसमें सिंपली नेफा डाला है, एक ऊपर की साइड, दोनों साइडों पर नेफा डाल दिए, 5-5 इंच का कपड़ा काट के नेफा डाल दिए मैंने, जोड़ वगैरह लगा के ईज़ीली। बस उसके बाद ये देख लें आप, मैंने अभी इसमें रिबन डाल दिया एक साइड पे। उसके बाद अब मैंने ले लिए दोनों तकिए, मकसद जो मेरे पास थे वो मैंने एक पुराने तकिए के कवर में डाल दिया, सारी रुई को डाल के इस तरह मैं मशीन की हेल्प से सिलाई लगा के पक्का कर लूँगी। ये हमारा अंदर का कपड़ा हो जाएगा तकिए का, गोल तकिए का, इससे हमें मसला नहीं होगा। जब हमने वॉश करना, वो ऊपर वाला उतारेंगे और धो देंगे, तो मैं तो इसी तरीके से सीती हूँ। और जो मेरे घर में जो बेड के जो तकिए होते हैं, जो सिरहाने होते हैं, उनके अंदर भी मैं ना पुराना ज़रूर चढ़ाती हूँ, तो उससे ये होता है कि वो साफ़ रहते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। अब ये देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तो मुझे जितना पता था मैंने किया है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, लेकिन मुझे पता था कि शायद इसी तरीके से, थोड़ा बहुत अम्मी वगैरह को देखा हुआ था, वो लोग ऐसे ही करते थे, तो मैंने कहा मैं भी करके देखती हूँ। लेकिन खैर मैंने ऐसे किया और मैं सक्सेस मिली मुझे, और अच्छा मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिला। आपके सामने ही आएगा रिज़ल्ट, अभी आप देखिएगा। अच्छा एक तरफ ही मैंने ये ले लिए अगर किसी का गुस्सा हो ना तो इसके ऊपर आप गुस्सा सारा उतार सकते हैं। नहीं जी मजाक कर रही हूँ, इस तरह की कोई भी डंडी आप ले लें, या मकसद कोई भी लकड़ी की स्टिक वगैरह या कुछ भी स्टिक टाइप का, इस तरह से आप करेंगे तो ये इसको रुई धोना, पता नहीं आई थिंक इसी तरह कुछ कहते हैं, तो वो इस तरह से रुई वाले तो ऐसे ही करते हैं, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। खैर लेकिन सही हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रिबन मैंने लिया है, थोड़ा सा रिबन मैं काट लूँगी, और इसकी जो दूसरी साइड है जहाँ से तकिए का मुँह बंद होगा, वो भी मैंने कैसे करूँ उधर डालने के लिए ये। तो आप देखिए मैंने अभी इसमें पिल्लो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, मकसद ये डाल दूँगी, और इसके बाद इसका भी ऊपर से मुंह मैं बंद कर दूँगी हमेशा के लिए। तो बस आप देखना फिर आपको रिज़ल्ट कैसा लगता है,
खैर मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा ये बन जाएगा। बस एक थी कोशिश कि दिमाग लगाते हैं कुछ ना कुछ बनेगा यार, लेकिन खैर अच्छा ही हुआ। और जो पर्दा है वो तो सिंपल, जाहिर सी बात है, बेडशीट थी, सीधी सीधी बेडशीट थी, नीचे से फोल्ड किया, ऊपर से नेफा बनाया और डैट्स इट। मैंने आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको, तो अब देखेंगे मैंने तैयार कर ली इस तरह से। आप चुनते अपने हिसाब से, चुन्नट वगैरह अपने हिसाब से करके इसको, इसका आगे से मुंह बंद कर दें। और अच्छा, एक इसमें बनता है प्लेट्स वाला, काफ़ी लोगों को पता होगा, लेडीज़ को जो करती रहती हैं स्टिच, उनमें थोड़ा सा टाइम भी मेरे ख्याल से ज़्यादा लगता है, थोड़ा दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, और ना बस मुझे ये इजी लगता है, तो ये तरीका अच्छा है। मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, वहाँ भी मैंने स्टिच किए थे, मगर मैं बस वीडियो नहीं बना सकी थी। मैंने कहा पता नहीं पसंद आए ना आए लोगों को, होता है ना। लेकिन अब मैंने कहा चलो, जब एक चीज़ शेयरिंग के लिए है, शॉर्टकट तरीका है, आइडिया है, तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। देखें आप कितना अच्छा लग रहा है ये, और बिल्कुल ये यही शेप आई है, यही आपके सामने मैंने इसलिए सब कुछ किया है कि बाद में मुझे कोई ये ना कहे कि आपने इसमें कोई और तकिया डाला है। देख सकते हैं आप, वो लकड़ी की स्टिक की हेल्प से और हाथों की हेल्प से हमने इसको जो मारा है ना, गुस्सा जो निकाला है उससे ये इतनी अच्छी शेप आई है। तब मैं ये यहाँ रख दूंगी, मैंने और पर्दा भी ये सी देखें जी, लिया हमारा इसका, मेरा देखिए पर्दा भी आपको रेडी कैसा हो लग गया रहा है है, कैसा बताइएगा। लग रहा है आपको ज़रूर थोड़ा डार्क बताइएगा। कलर था ना तो अच्छा लग रहा था, तो आप लोगों को कैसा लगा और ज़रूर चैनल को बताइएगा। लाइक गेट है शेयर ये देखिए, सब्सक्राइब करना भूलते तो नहीं है, लेकिन जो नए देखने देखिए वाले हैं सी लिया उनके लिए था ही मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग, सब्सक्राइब सब और हो लाइक गया कीजिए। काम, काफ़ी कमेंट में दिनों से कर बताइए रही और हूँ। क्या क्या सीखना चाहते हैं। स्टिचिंग अगर आप बोल लोगों को तकिया भी आप सीखनी आराम है, से कोई करेंगे, अच्छे आप देख डिज़ाइन लीजिए सीखने किस तरह हैं, से आप ज़रूर मुझे बोलिएगा, करने हैं कमेंट काम, में तब कैसे बताइएगा, फिर सीख मैं करूँगी, क्योंकि हम इतनी मेहनत आराम करती हूँ से ना मैं, फिर इजीली फजूल हो बना जाती है वो सकते हैं। मेहनत। तो ये देखिए मैंने इस तरह के ना, इसके ये पर्दा बांधने, ये पर्दा बांधने के लिए मेरे पास है ये एक, इसकी हेल्प से मैंने ये बांध दिया है, ये ज़बरदस्त लग रहा है, देख सकते हैं आप। एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे सब फैला हुआ है, इसको इग्नोर करेंगे। देखें ये क्या है, ये है मेरी वॉशिंग मशीन जो कि बहुत ज़्यादा ना गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी कपड़ा सी लिया जाए, तो ऐसे कवरिंग सही रहती है। तो ये देखें इजी इजी उतर रहे और इजी तरीके से चढ़ जाएगा कपड़ा, कोई इसमें आपको जाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देख सकते हैं।